अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं नहारी। तो दोस्तों, ये नहारी बहुत ही जायके की होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए देखते हैं कि नहारी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो नहारी बनाने के लिए हमने गोश्त लिया है 1 kg, यानी 1 किलो ये गोश्त है, बोंग का गोश्त है ये। इसको हमने धुल लिया है। अब इसको, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इस चम्मच से जो खाना बनाने का होता है, इससे मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है इसमें, और हम इसमें गोश्त को डाल के भून लेंगे अच्छे से। तो 5 से 8 मिनट तक गोश्त हमने भून लिया है। गोश्त अच्छे से तेल में फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 छोटे चम्मच में अदरक लहसुन पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा अच्छे से डालेंगे ताकि गोश्त जो है उसमें कोई स्मेल ना रह जाए, अदरक की वजह से गोश्त अच्छे से गल जाए। तो हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको 5 मिनट थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन में हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें नहारी मसाला डालेंगे। ये मैंने नूरी नहारी मसाला लिया है, ये पुरानी दिल्ली का है। आप चाहे कोई सा भी मार्केट का मसाला ले लें। और उसकी क्वांटिटी ये रखना है कि अगर हमने 1 किलो गोश्त लिया है तो 4 चाय के चम्मच से, छोटे चम्मच से हमें 4 चम्मच मसाला लेना है। इसको मैंने थोड़ी देर पानी में सोक कर दिया था, इससे अच्छा जायका आता है। और हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। सारी चीज इस मसाले में शामिल होती है जो हमने नहारी मसाला डाला है। हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 टीस्पून नमक यूज किया है। आप नमक अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले का इस्तेमाल भी, अगर आपको थोड़ा तेज मसाला चाहिए तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब हम गोश्त में पानी डालकर सीटी लगा देंगे। पानी हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे ताकि ये देर तक पकने पर जले ना। और इसे हम 1.25 घंटा यानी 45 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि गोश्त को रेशों को बिल्कुल अच्छे से गलना होता है। तो इसलिए अब हम इसे तेज आंच पे रखेंगे। एक सीटी आने के बाद फ्लेम हम थोड़ा स्लो कर देंगे और 45 मिनट हम धीमी आंच पे पकाने पे फिर बंद कर देंगे। तो हमारी नहारी का गोश्त पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। चम्मच की मदद से ही इनके रेशों को अच्छे से मैश कर लेना है। देखिए, ये बहुत अच्छे से गल गए हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं। सारी बोटियां ऐसे करके हम इन्हें मैश कर लेंगे। वैसे ये आप अगर खड़ी पीस रखनी चाहें, इन्हें मैश ना करना चाहें तो आप ना करें, लेकिन निहारी में इसी तरह से होता है। इसके रेशों को इस तरह से मैश करके अलग कर देते हैं। बाकी ऑप्शनल है आपके ऊपर, अगर आप पीसेस रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो एक एक पीसेस को हम इसी तरह मैश कर लेंगे। ये मैंने बेसन ले लिया है, चने का आटा है ये। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। हमने पैन में इसको खाली जो है भून लिया है हल्का सा। आप आटा भी ले सकते हैं इसकी जगह, ये ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली लम्स इसमें बाकी ना रह जाए। अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। इसको मैंने मिला लिया है, ये 3 टेबल स्पून क्वांटिटी में है। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद चलाना जरूरी है, अदरवाइज वो नीचे से जल जाएगा। 4 मीडियम साइज की प्याज लिया था, जिसको हमने बारीक काट के इसको ब्राउन कर लिया है। अब हम इसे हाथ की मदद से ही मैश कर लेंगे। आप इसे मिक्सर में कभी भी नहीं पीस के डालिएगा, उसका जायका अलग हो जाता है। हमें बस हाथ से ही हल्का सा मैश करके कुकर में डालना है। हम ये ब्राउन की प्याज को मैश करके इसमें डाल देंगे। नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है, इसमें हम और कुछ भी नहीं डालेंगे। बाकी हम गार्निशिंग के टाइम पे डालेंगे। सारी चीजें हमने इसमें शामिल कर ली है। अभी हमें थोड़ा सा थिक लग रहा है, हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। वैसे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही रहती है। हम इसमें 1 चम्मच तेल और ऐड करेंगे, क्योंकि सारा तेल जो था वो बेसन और प्याज ने जज कर लिया है। इसमें तेल की तरी काफी सारी होती है। और हमने इसमें ये पका हुआ तेल डाला है, आप गलती से कच्चा तेल मत डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो हम सर्व करेंगे उसमें भी ऑयल डालते हैं, क्योंकि उसमें काफी तरी होती है।
इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे, 2-4 मिनट। तो दोस्तों हमारी नहारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, जिसका ना कि कलर ही बहुत अच्छा है, जायका भी बहुत ही अच्छा इसका होगा, और दिल्ली वाले तो इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। आप कहीं पे भी रहें इसे जरूर ट्राई करिए। इसमें ऑयल काफी था इसलिए हमने ऊपर से मजीद ऑयल नहीं ऐड किया है, और इसकी गार्निशिंग के लिए हमने इसमें अदरक बारीक काट के और फाइनली चॉप इसमें हरी मिर्चा डाली है, ये जरूर डालिएगा आप, और लेमू इसके साथ जरूर शामिल करिएगा, ऊपर से आप लेमू जरूर निचोड़ लीजिएगा। और हम इसे सर्व करेंगे नान के साथ, बाकी आप इसे किसी चीज के साथ भी खाइए, बहुत ही जायके की लगेगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।